गाइस, हमारे देश भारत में गोल्ड का कितना क्रेज़ है ये हम सब लोग जानते हैं, और हो भी क्यों ना, गोल्ड एक कीमती धातु जो है। बट क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है? डेफिनेटली आपका जवाब होगा दुबई। बट ऐसा नहीं है, दुनिया में सबसे सस्ता सोना हांगकांग में मिलता है, जहाँ भारत में 10 ग्राम सोने का प्राइस लगभग 49,000 है, तो वहीं दुबई में करीब 44,000। बट यही 10 ग्राम सोने का प्राइस हांगकांग में लगभग 42,000 है। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ 600 मिलियन डॉलर है, क्या आपको पता है शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शाहरुख खान, जो कि 600 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपये थी, और वो भी दिल्ली में उन्हें गज़ल गायक पंकज उधास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे ये सीखने को मिलता है, भले ही आपकी जेब छोटी हो, आंखों में अरमां बड़े होने चाहिए। गाइस, इंडिया में मुश्किल से साइकिल पर आपको कोई ऑफिस जाता दिखेगा, बट ये चीज़ बाहर के देशों में बहुत ही कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पर ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं, बट क्या उसके पीछे का रीज़न आप जानते हैं? इसके पीछे का रीज़न जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को साइकिल पर ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती हैं। जी हाँ गाइस, वहाँ पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के एम्प्लॉयज़ को 16 रुपये दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न भी बहुत साफ है। 1, इन्वायरमेंट की सेफ्टी, 2, फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और 3, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।